वेलकम टू सबिराज किचन। आज हम बनाएंगे बिना आटा गूंदे, बिना रोटी बनाए, बिना पराठा बनाए एग रोल। बहुत टेस्टी एग रोल बनते हैं ये और 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही फटाफट बनने वाला नाश्ता है, तो बनाना शुरू करते हैं ये एग रोल। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। एग रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा। मैदा की जगह आप गेहूँ के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे एक अंडा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स नहीं है आपके पास तो लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं या बारीक कटी हरी मिर्च डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ लहसुन, लहसुन नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नमक डाल देंगे, चार सर्विंग स्पून या आधा कटोरी ऑयल है इसको डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आधा ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। दूध मैदा के अंदर मैंने मिक्स कर दिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, मैंने अच्छे से इसको बीट कर दिया है। बैटर अभी काफ़ी गाढ़ा है तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे। यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार है। ये बैटर बहुत गाढ़ा नहीं है, ना ही बहुत पतला है, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी। आधा कप मैंने इसमें पानी डाला था। बैटर तैयार हो चुका है, अब हम एग रोल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन गैस के ऊपर रख दिया है, पैन या तवा कुछ भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हल्का ऑयल लगाएंगे। तो मेरे पास ये एक बड़ा स्पून है, इससे हम ये बैटर डालेंगे, फैला देंगे। गैस का फ्लेम अभी कम कर दिया है मैंने, अच्छे से एक साइड से सिकने देंगे। ये जो रैप है एक साइड से सिक गया है, इसकी साइड को चेंज कर देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। ये रैप दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक गया है, फ्लेम को भी कम कर दिया है मैंने। इसके ऊपर हम एक अंडा डालेंगे, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हरा धनिया, अंडे को हम फैला देंगे। इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, रैप को मैंने पलट दिया है, दूसरी तरह से अंडे को अच्छे से सेक लेंगे। ये एग रोल बनकर तैयार है, इसको निकाल लेंगे। दूसरा रैप बनाएंगे अब हम। आप ऊपर अंडा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप बिना अंडे के भी इस तरह से बना सकते हैं। एक अंडे से भी आप 4-5 रोल बना सकते हैं। रैप एक साइड से सिक गया है, इसकी साइड चेंज करेंगे। फिर आप इसी तरह से दोनों तरफ से क्रिस्पी कर सकते हैं, ऊपर अंडा लगाना चाहे लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारा बेहद टेस्टी एग रोल, इसको मुझे बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगे हैं, 7-8 मिनट में ये एग रोल बनकर तैयार हो गया है। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।